हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिवाइन इंग्लिश कोचिंग। गाला 2025, उसमें पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन आज देखेंगे, एमसीक्यू और ग्रामर, इतना सॉल्यूशन देखेंगे। इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, इसके अलावा भी कोई भी डाउट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है, उसमें आप अपने डाउट्स फिल कर दीजिए, आपको वो आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो ये रहा पेपर नंबर 2। जैसे कि आप जानते हो कि पहला ही क्वेश्चन जो होता है वो टेक्सचुअल एमसीक्यू होता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। व्हाई वुड वल्ली बी टू जेलस, वल्ली इतनी जेलस क्यों होती थी। ओके, तो इसका सही आंसर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ए है कि हर फ्रेंड्स हैड सैट एंड डिस्क्राइब्ड द साइट टू हर, उसके दोस्त बस में बैठ के आ रहे थे और क्या क्या देखा उसको बता रहे थे, इसलिए वो जेलस होती थी। आंसर नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ डिसअप्रूवल। तो ए आंसर आएगा, सेटिस्फेक्शन है वो ये डिसअप्रूवल का सिनोनिम नहीं है। ओके, उसके बाद जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फिगर्स ऑफ स्पीच होगा। ओके, उसके बाद कौन सा है जो पार्ट, यस क्वेश्चन नंबर 5 में वो है फिल इन द ब्लैंक्स, यस ये होगा। ओके, मैरिज गिफ्ट्स आर, तो इसमें होगा ए, मीनिंगलेस, बहुत ही इजी है, विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल, तो ये आएगा 7। जस्ट एज, यहां पर कंफ्यूजन होगा आपको कि पार्टी पहले लिखे या फिस्ट पहले लिखे। ओके, 8 में पार्टी लिखे या फिस्ट, तो 8 में आपको पार्टी लिखना है पार्टी और 9 में होगा फिस्ट। ओके, लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, तो यहां पर आएगा 10 में ये आंसर आएगा। ओके, इसके बाद जाते हैं सेक्शन बी में, 19 और 20 वो होगा आपका फिगर्स ऑफ स्पीच वाला क्वेश्चन। यस ये रहा, इन हिज क्वाइट रेज। ओके, तो जो क्वाइट है वो एडजेक्टिव है, एक्चुअली यूज हुआ है रेज के साथ, मगर क्वाइट रिज नहीं था, क्वाइट वो टाइगर था। ओके, जो शांति से घूम रहा है, तो यहां पर आएगा ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसके साथ साथ है एंटीथेसिस भी है, शांत और गुस्सा दोनों ऑपोजिट आइडिया है, तो एंटीथेसिस भी है, तो ये आंसर भी सही है। ओके, आप बोलेंगे बोर्ड में ऐसा आया तो, मगर बोर्ड में ऐसे मल्टीपल आंसर नहीं हो सकते, इतना ही आंसर होगा। 20, the trees are stumbling forward, पेड़ लड़खड़ाते हुए आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पेड़ को इंसान की क्वालिटी दी है, पर्सोनिफाई किया गया है, सो ए पर्सोनिफिकेशन इज द राइट आंसर। उसके बाद आएगा एरर करेक्शन जो होता है क्वेश्चन नंबर 31 में। सेक्शन सी, ओके ये रहा, द ट्रेन क्लैटर्ड इन। ओके, नीचे ले लेता हूं जिससे आप पढ़ सके, द ट्रेन क्लैटर्ड इन, तो यहां पर जो इन लिखा है इन नहीं आएगा, यहां पर आएगा इन टू। ओके, यहां पर आएगा इन टू। उसके बाद है मरियानी जंक्शन, द बॉय कलेक्टेड, तो कोई अकेला बॉय नहीं था वहां पर, तो वो एरर है, बॉयज थे, दो लड़के थे जो आसाम जा रहे थे, हमें पता है। ओके, सो यहां पर आएगा बॉयज।
द लगेज एंड पोस्ट योर वे, तो ये पोस्ट नहीं था, पास्ट की बात चल रही है, पोस्ट था, तो यहां पर आएगा पोस्ट। ओके, इस तरीके से। फिर इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा एरर के बाद, वो होगा प्रेपोजिशन का, क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा। ओके, 39 में ये भी आपका फर्स्ट फ्लाइट में से ही आता है, तो फर्स्ट फ्लाइट अच्छी तरह से पढ़िए। आई फिनिश्ड माई पोएम, फिर 39 में आएगा एंड यहां पर। ओके, यहां पर आएगा 39। इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड फादर स्वैन। 40 में आएगा विथ। ओके, ये रहा विथ 40 में, विथ थ्री बेबी डकलिंग। 41, हु वेर बीटन, जिसको पीटते थे फादर बिकॉज दे क्वैकड टू मच, और उनकी गलती यही थी कि वो लोग बहुत ही क्वैक क्वैक करते थे, तो यहाँ पर आएगा 42, तो ये 42 नंबर का आंसर सही है। ओके, इस तरीके से ये ध्यान से समझना, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे ही समझा रहा हूँ बोल के धीरे से। ओके, आप सुन लीजिए, लिख लीजिए, बार बार रिपीटेशन करके सुनिए। लास्ट यूनिट जो है वहां से ये आंसर है। चुबू को आस्कड नता लिया, व्हाट दैट वॉस। फिर से, चुबू को आस्कड नता लिया, वो दैट वॉस। एंड अगेन आस्कड, व्हाट शी हैड सेड, व्हाट शी हैड सेड। नतालिया आंसर्ड हर फादर। ओके, यहाँ पापा लिखा है तो आंसर दिया है, मगर यहाँ आप देख सकते हो कि सेंड द मूवर्स आउट टू द मीडोज एट वंस। ओके, तो उसने उसके पापा को कहा है, ऑर्डर किया है, मगर ऑर्डर तो नहीं लिख सकते, तो हम आस्कड लिखेंगे। नतालिया आस्क्ड हर फादर, और यहाँ कनेक्टिव में आएगा टू। ओके, टू सेंड द मूवर्स आउट टू द मीडोज एट वंस। चुबू को, व्हाट डिड यू से सर? चुबू को आस्क्ड विथ रिस्पेक्ट, व्हाट ही हैड सेड। ओके, यहाँ लोमो को पूछा है, तो वहां पर हम विथ रिस्पेक्ट और हिम लिखेंगे, और इससे का हो जाएगा हैड सेड। ओके, इस तरीके से ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, 43 नंबर का। इसके बाद आता है ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट में एमसीक्यू होते हैं, जैसे कि आप जानते हो, यहाँ पर सारे एमसीक्यू अच्छी तरह से हम समझते हैं, ध्यान से देखना। कई बार हमने रूल्स अच्छी तरह से लर्न नहीं किए हैं तो गलती होती है। 44, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ओके, तो यहाँ पर देखो, ये है कंपेरेटिव डिग्री, तो इसे हमें कन्वर्ट करना होगा पॉजिटिव डिग्री में। फर्स्ट वर्ड है वो लास्ट में चला जाएगा, लास्ट वर्ड है वो फर्स्ट में आ जाएगा। ओके, पीपल यहाँ फर्स्ट में आ जाएगा, और सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। पीपल डू नॉट हैव एज मच पेशेंस एज पेपर, ये आंसर यहाँ सही है, मगर यहाँ भी एक गलती है, एज नहीं आ सकता, नेगेटिव है, तो सो को प्रायोरिटी दीजिए। ओके, सो एज लिखना है आपको। 45, आई वॉज ओवरवेलम्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पर आएगा आई वॉज ओवरवेलम्ड बाई समथिंग समवन, यहाँ कुछ मिसिंग है, तो ये इट ऐड करेंगे हम। इट ओवरवेलम्ड मी विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, सो 45 है वो करेक्ट आंसर है। 46, हु कुड बी सोशियबल विथ सच अ पर्सन। ओके, तो वो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है वो, तो उसकी जगह नो वन या नो बडी लिख दीजिए, तो वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा नो वन कुड बी सोशियबल विथ सच अ पर्सन। ओके,
47 ही बिकेम एंग्री व्हेन ही कुड काउंट व्हेन ही काउंटेड द मनी। ओके, तो ये व्हेन जो लिखा है वहां नो सुनर लिखना है आपको। नो सुनर डीड ही काउंट द मनी देन, पहले आंसर देख लीजिए बाद में ढूंढिए। तो ऐसा आंसर है यहाँ पर सी में, नो सूनर डीड ही काउंट द मनी देन ही बिकेम एंग्री। 48 गो टू सक्या मुनि। ओके, जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है जो वर्ब से स्टार्ट होता है उसमें आपको कंपलसरी लिखना है विल यू। अगर ऐसा यहाँ लिखा होता डोंट गो टू सक्या मुनि तो भी विल यू लिखना है, अफर्मेटिव है तो भी विल यू लिखना है। सो ये पूरा आपका पेपर जो हमने अभी आपका सॉल्व किया। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो नीचे गूगल फॉर्म की लिंक है, जैसे ही पहले मैंने बताया वो आप लिख सकते हो। आंसर सारे सही है, कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट्स में लिख सकते हो। और आने वाले जो पेपर है, पेपर 3, 4, 5, 6, वो भी बहुत जल्द अवेलेबल होंगे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।